क्या हाल है मेरे प्यारे भाई लोग। आप सभी भाई लोग अभी शौक हो गए हो क्योंकि मैं गाइस करीब करीब डेढ़ महीने बाद पोकेमॉन लेजेंड आर्केस एपिसोड नंबर 4 डाल रहा हूँ। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि गाइस मैंने कितने मेहनत से एपिसोड 3 में अपने स्टारली को स्टेरिविया बनाया था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ग्लिच हो गया कि क्या हो गया। देख सकते हो अभी मेरा स्टारली वापस से, मतलब मेरा स्टेरिविया वापस से स्टारली बन गया है। एंड सभी का हेल्थ, मतलब हेल्थ बोल रहा हूँ गाइस, सभी का लेवल फिर से कम हो गया है। मतलब इसका मतलब ये है कि गाइस मेरा पुराना वाला जो गेम सेव डाला था वो शायद से अच्छी तरीके से राइट नहीं हुआ, तो इसलिए मैं वापस से उसी जगह से खेल रहा हूँ। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, वेलकम बैक टू लेजेंड आर्केस। सभी भाई लोगों के मन में ये भी सवाल था कि बोल भाई अब खेलेंगे कि नहीं। डेफिनेटली खेलेंगे गाइस, डेफिनेटली खेलेंगे। और आज मैं अपने स्टारली को वापस से स्टेरिविया बनाने वाला हूँ। ओके अभी फाइट करने वाला है गाइस, आज ये दिन का पहला फाइट है गाइस, ठीक है। तो यस अभी इसको उड़ाने वाला हूँ। एक मिनट, एक काम करते हैं। यस गाइस हम लोग स्ट्रॉन्ग स्टाइल यूज करेंगे और गस्ट यूज करेंगे इसके ऊपर, देखते हैं। ओके स्टारली यूज गस्ट, कमान कमान। लगा कितना लगा, उतना डैमेज नहीं मिला, ठीक है उतना डैमेज नहीं मिला। ओके जियोड्यूट ने क्या यूज़ किया। ओके जियोड्यूट यूज रोल आउट, तो स्टारली अवॉइडेड अटैक, बहुत बढ़िया स्टारली। तो हम लोग अभी एरियल एस यूज करने वाले हैं, ठीक है। ओके एरियल एस यूज करो स्टारली। यस गाइस ओके येलो कलर पे तो आ गया इसका हेल्थ, लेकिन मैं मुझे इसको हराना है। मैं इसको पकड़ सकता हूँ जियोड्यूट को, लेकिन अभी नहीं पकड़ेंगे, ठीक है अभी नहीं पकड़ेंगे। एक मिनट गाइस एजल स्टाइल यूज करेंगे, थोड़ा बहुत स्टारली का ये करते हैं, लेवल अप करते हैं, फिर एंड में जाकर के जब स्टारली स्टेरिविया बनेगा तब मैं एक जियोड्यूट को पकड़ सकता हूँ, ठीक है पकड़ लेंगे गाइस। यस ओके तो गाइस मैंने जियोड्यूट को, लेवल 9 वाला जियोड्यूट को हरा दिया। अब देखते हैं मुझे कितना एक्सपी पॉइंट्स मिलता है। ओके गाइस देख सकते हो लेवल 11 का हो गया। तो अभी मुझे पोकेमॉन्स फाइट्स करना है, आज क्या क्या मिशन करना है वो भी देखना पड़ेगा गाइस। दुख होता है यार गाइस, कितने मेहनत से उस दिन मैंने बहुत चीज़ें करी थी, ठीक है जैसे फाइट करा था, और लास्ट में मेरे साथ क्या हो गया गाइस, गेम डेटा ही उड़ गया यार। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, हम लोग दुख बातें को याद नहीं करेंगे, ठीक है दुखी वाले बातें को याद नहीं करेंगे, और सीधा हम लोग अभी गेम पे फोकस करते हैं, ठीक है। ओके गस यूज़ करो फिर से। ओके अभी जियोड्यूट क्या यूज करने, मतलब रोल आउट इस बार तो पड़ेगा। ओके इसी के साथ स्टारली तो एकदम फेंटी हो गया क्योंकि सुपर इफेक्टिव मूव था ना गाइस रोल आउट। क्या कर सकते हैं गाइस, रोलेट को ही भेजते हैं गाइस, रोलेट को भेजते हैं। चलो गाइस आज रोलेट को भी हम लोग डेसिड्यू था ना सेकंड इवोल्यूशन फ्रॉम, हाँ डेसिड्यू बनाते हैं। रोलेट का डेसिड्यू नहीं था शायद से, ओके वो बाद में जानेंगे, पहले लीफ एज यूज करते हैं इसके ऊपर, जियोड्यूट के ऊपर लीफ एज यूज करेंगे गाइस। यस सुपर इफेक्टिव। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है मैंने रोलेट का सेकंड इवोल्यूशन फॉर्म भूल गया, डेसी समथिंग करके था। ओके जिंक्स आजा गाइस, जिंक्स को भी जल्दी से इवॉल्व कराना है यार, लक्स रे बनाना है। ओके ब्लैक टंबलस्टोन मिल चुका है, एक काम करते हैं गाइस, आई हैव टू सी वन थिंग। ओके डेस्टिनेशन से मुझे क्या इस तरफ जाना पड़ेगा। ओके यहाँ पे देख सकते हो गाइस, एक मिनट यहाँ पे कुछ तो, अरे सिलेक्ट क्यों नहीं, न्यू रिक्वेस्ट, अच्छा डो रिक्वेस्ट पड़े हैं वहाँ पे, जाएंगे गाइस जाएंगे। ओके एक और चीज़ देखते हैं, मेरे पास रिवाइवल हर्ब, ओके रिवाइव है ना मेरे पास, रिवाइव है तो स्टारली को फटाक से मैं रिवाइव कर लेता हूँ। ओके और आई थिंक आई हैव पोशन ऑल्सो, आई हैव टू सी पोशन तो होगा व्हाट इज पोशन, यस गाइस दिस इज द पोशन, तो पोशन भी यूज़ कर ही लेते हैं अपने स्टारली के ऊपर, ठीक है। ओके तो जितना हो सके मुझे फाइट करना पड़ेगा। ओके स्टारली को चूज़ कर लेते हैं। ओके अरे तू भाग क्यों रहा है भाई, फाइट कर। ओके गाइस अब फाइट होने वाला है, मैंने इसके सर के ऊपर ही मार दिया था स्टारली का पोकेबॉल। ओके फाइट करो, और इसके ऊपर तो गाइस फ्लाइंग टाइप मूव यूज करके कोई फायदा होगा नहीं, यूज क्विक अटैक, ठीक है नॉर्मल टाइप मूव यूज कर इसके ऊपर। ओके गाइस अच्छा खासा डैमेज मिला ओपोनेंट स्टारली को, अब देखते हैं ओपोनेंट स्टारली कौन सा वाला मूव यूज करता है, कुछ भी नहीं करा क्या। चलो एरियल एस यूज करते हैं और इस बार स्टारली को समाप्त कर देते हैं। यस यस खत्म गाइस, अब देखते हैं गाइस कितना एक्सपी पॉइंट्स मुझे मिलता है, लेट्स सी कितना। ओके गाइस आज तो यार पोनीटा भी इवॉल्व, मतलब लेवल अप हो रहा है, साथ ही साथ मेरे सारे के सारे पोकेमॉन्स इक्वली लेवल अप हो रहे हैं, लेकिन उस दिन स्टारली को ज़्यादा ये एक्सपी पॉइंट्स मिला था पता नहीं क्यों। चलो रेड टंबलस्टोन भी तोड़ ही लेते हैं। यस वन गाइस अभी अंधेरा होने वाला है। ओके वंस अगेन जियोड्यूट, एक काम करते जियोड्यूट के साथ ना मैं रोलेट को लड़वाऊंगा, क्योंकि रोलेट एक ग्रास टाइप पोकेमॉन है और ग्रास टाइप मूव यूज करूंगा, लीफेज यूज करूंगा, तो एक ही बार मैं फेंट कर पाऊंगा, ठीक है। ओके फाइट लीफेज यूज करो जियोड्यूट के ऊपर। यस वन शॉट बोलते, ओह नहीं बोल पाया यार, मेरे को लगा ऑलमोस्ट मैंने वन शॉट बोल ही दिया। चलो बहुत बढ़िया कमान, अब एक काम करते गस से नहीं लीफेज यूज कर, लीफेज यूज करो रोलेट। Yes, nice one. It's super effective. और इसी के साथ देखते हैं अभी किसको कितना एक्सपी पॉइंट्स मिलता है. Let's find out. Okay, रोलेट भी लेवल 13 हो गया। Oh, guys, एक चीज तो मैं भूल गया, मेरे को तो इस तरफ जाना था ना।
हाँ यार, अभी इनसे बात करना पड़ेगा। ये एक दूसरे क्लैन की मेंबर है, ठीक है, दूसरा क्लैन का मेंबर है, आई थिंक वो डायमंड क्लैन या कुछ करके था, आप लोगों ने शायद से देखा था पिछले एपिसोड। दिस इज डियोट्रेक हाइट्स, ओके, दिस इज वेयर आई हैव लॉन्ग कम टू पे ट्रिब्यूट टू ए स्पेशल पोकेमन, ए पोकेमन डिसेंडेड फ्रॉम वन ऑफ दोस एंशियंट्स ब्लेस्ड बाय ऑलमाइटी सिनो। ओके, ऑलमाइटी सिनो तो गाइस आर्कियस है, ठीक है, और ब्लेस्ड बाय मतलब व्हाट इज दैट, व्हाट इज, ओके, क्रिकेट ट्यून गाइस, ये एक अल्फा क्रिकेट ट्यून है, देख सकते हो कितना बड़ा है और आंख भी लाल है। दैट्स ओनली अ ट्रबल मेकर हियर टू डिस्टर्ब द पीस विद इट्स रैकेट, ओके, तो देख सकते हो, ओ भाई साहब द लूप करके बोल रहे ये, ओके, एंड दैट्स व्हाट यू आर हियर फॉर, अ बोल्ट टू ड्राइव दैट इंटरलोपर फ्रॉम दिस प्लेस। तो गाइस मुझे उस इंटरलोपर को यहाँ से भगाना होगा। आई विल एंश्योर पोकेमन आर रेडी फॉर अ बैटल, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड मे नोज मूव्स दैट अदर्स ऑफ देयर काइंड डू नॉट, ओके, दे आर नॉट टू बी ट्रिफल्ड विथ, लेट मी टेल यू नेवरटेलेस, ओके, ये चीज़ बोली है मेरे को, ये चीज़ आज ही मालूम पड़ रहा है कि अल्फा पोकेमॉन्स को कुछ ऐसे मूव्स भी आते हैं जो नॉर्मल पोकेमॉन्स को आते नहीं, मतलब जैसे एक हो गया अल्फा क्रिकेटून और एक हो गया नॉर्मल क्रिकेटून, तो अल्फा क्रिकेटून को कुछ ज़्यादा मूव्स पता होगा कंपेयर टू द नॉर्मल क्रिकेट ट्यून, ओके, यू गाइस आर गेटिंग इट ना, ओके, चलो अब पढ़ते हैं। आई बिलीव यू आर स्ट्रॉगर स्टिल देन दिस अल्फा, सो गो शो इट दैट बियॉन्ड माई मिस्टेकिंग। तो गाइज मुझे अभी अल्फा क्रिकेट उनको डिफीट करना पड़ेगा। बी केयरफुल बोल, साइज इज ए पोटेंट वेपन इन एंड ऑफ इट्स सेल्फ, नो डाउट दिस अल्फा इज अ पावरफुल एंड हार्ड फो, इफ यू मस्ट फेस इट मेक श्योर पोकेमॉन हैव सम स्ट्रॉन्ग मूव्स एट देयर डिस्पोजल, ओके। मुझे ये डरा रही ये बोल के कि भाई जब तुम लड़ोगे अल्फा पोकेमॉन के साथ, मतलब अभी अल्फा क्रिकेट उनके साथ मैं जैसे पंगा लेने वाला हूँ, फाइट करने वाला हूँ, तो एक अच्छा वाला पोकेमॉन यूज़ करना जिसके पास अच्छा मूव्स हो, ठीक है, ऐसा करके वो बोल रही है। तो चलो एक ओके, अल्फा पोकेमॉन आई विल डिफीट यू बाय यूजिंग रोलेट। अरे भाई क्या हो गया, ओके ओके ओके, अब फाइट करने होने वाला है। यो ब्रो, यो ब्रो, तो क्रिकेट ट्यून इज रेडी टू फाइट रोलेट, जाओ रोलेट दिखा दो, और हम लोग दिखाने वाले कि रोलेट और मेरा टीम कितना स्ट्रॉन्ग है। गाइस क्या कहते हो, गाइस अगर हम लोग सक्सेसफुली अल्फा क्रिकेट उनको डिफीट कर लेते तो आप सभी भाइयों को क्या करना पड़ेगा, ओह शिट गाइस सुपर इफेक्टिव, आप सभी भाइयों को लाइक करना पड़ेगा। फ्लाइंग अटैक यूज करा था क्रिकेट ट्यून, यूज एरिया लेस, गाइस एरिया लेस यूज कर करके रोलेट को तो हरा दिया भाई इस क्रिकेट ट्यून ने, ओके, दिस क्रिकेट ट्यून इज स्ट्रॉन्ग है। अब लेकिन जिंक्स, जिंक्स जाएगा गाइस, जिंक्स जाएगा, जिंक्स तुम जाओ। अरे यार मेरे को लगा था मैं एक ही बार में हरा पाऊंगा इस अल्फा क्रिकेट ट्यून को, पर जो सोचते हैं गाइज वैसा होता नहीं। थंडर शॉक यूज करो इसके ऊपर, अब तो इसको फटका पड़ेगा, उतना भी फर्क नहीं पड़ा, बट गाइज एक चीज अच्छा हुआ कि ये पैरालाइज हो गया, फिर भी ये मार रहा है मेरे को भाई, फिर भी ये मेरे को मार रहा है। गाइज क्या मैं इसको कैच कर सकता हूँ, अगर मैंने इसको कैच कर लिया तब भी बहुत बढ़िया होगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओके आई थिंक आई कैन कैच दिस थिंग, ओके आई थिंक आई कैन कैच दिस थिंग, ओके फेंका मैंने गाइज, फेंका फेंका, आप देखते हैं गाइज क्या मैं इसको पकड़ पाऊंगा, वन कमान जो, ओके गाइस मैंने एक अल्फा क्रिकेट उनको पकड़ लिया यार, ओ भाई साहब मेरे को लगा था मैं इसको पकड़ नहीं पाऊंगा, ओके देख सकते हो लेवल अप कैसे हो रहे, ओके तो मेरे बुइजेल ने एक न्यू मूव भी लर्न किया है, ओके तो ये लोग आ रहे हैं अभी, मुझे शायद से वाह वाह ही देने वाला है, ठीक है वो। यू रियली आर एन इम्प्रेसिव वन, aren't यू सीइंग समवन बेस्ट एन अल्फा लाइक दैट, इट ट्रूली रिमाइंड्स मी ऑफ द लेजेंडरी हीरो ऑफ ऑल। तो लेजेंडरी हीरो ऑफ ऑल कौन हो सकता है गाइस, वी वुड बेस्ट मेक श्योर योर पोकेमॉन आर टेकन केयर ऑफ आफ्टर फेसिंग ऑफ अगेंस्ट हर से फो, ओके तो फिर से मुझे हिलाप मिलने वाला है, थैंक यू सो मच यार। वीर अभी कौन आया है भाई, अब ये क्या चीज है, व्हाट इन द वर्ल्ड, ओके ओके गाइस ये तो एंटलोप या क्या था, एंटलोप था ना, एंटलोप था, यस गाइस गाइस इट्स द ग्रेट वर्ड यार, अच्छा लेकिन गाइस एंटलोप इसका बिगिनिंग का फ्रॉम का नाम है क्या, आप लोग कमेंट करके मुझे बोलिएगा, ठीक है ओके तो देख सकते हो ये वर्ड यार हमारे तरफ ही आ रहे हैं, अब देखते हैं क्या हो गया, ऐसे घूर क्यों रहा है तू, ही लुक्स अपॉन यू विथ काइंडनेस, ओके बोल्ट तो बहुत मतलब खुशी से देख रहा है, बहुत खुशी से देख रहा है ये वार्डियर, और फिर से चला भी गया। आई वुड से द ग्रेट वार्डियर हैज टेकन ए लाइकिंग टू यू, दैट इज फॉर्चुनेट, ही इज एन एस्टीम पोकेमॉन दैट कैन डैश अक्रॉस द एक्सपांसेस ऑफ हिज वी व्हाइल बेयरिंग ए ह्यूमन ऑन हिज बैक, ए ह्यूमन ही डीम्स वर्डी एट लीस्ट, ही इज ब्लेसिंग टू अस ऑल, ओके तो काफी स्पेशल पोकेमॉन है गाइस ये वार्डियर, रिमार्केबल ट्रूली आउटस्टैंडिंग स्टफ ए पोकेमॉन लेटिंग समवन राइड ऑन इट, व्हाई इट जस्ट लाइक द राइट पोकेमॉन ऑफ अलोला। तो गाइस हम लोग यहाँ पे भी पोकेमॉन्स राइड कर सकते हैं शायद से, क्योंकि राइड के बारे में तो बोल रही है ना। प्रोफेसर लेवेंटॉन बोल्ट
तो अकीरा आ गया इधर, आकारे आकारे हमेशा अकीरा अकीरा बोलता हूँ, कैप्टन सिलीन सेंट मी, ओके सी शेड दैट वंस बोल कैरिड आउट दिस रिक्वेस्ट वी वुड बी एबल टू सेट अप ए बेस कैम्प, ओके अबाउट दैट आई नो दिस वॉज अ जॉइंट डिसीजन बाई एडम एंड द कमांडर बट स्टिल इज इट ट्रूली फाइन फॉर अस टू सेट अप मोर बेस कैम्प्स लाइक दिस, ओके द ही सी यू रीजन इज लैंडेड लैंड क्रिएटेड बाई ऑलमाइटी सीनो फॉर द सेक ऑफ इट्स पोकेमॉन। तो ये लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग जंगल में अभी अपना घर या बेस नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये जो हिस्ट्री रीज़न है ये लॉर्ड सिनो ऑलमाइटी सिनो मतलब आर्कियस ने बना के दिया है, तो यहाँ पे जो जगह हम लोग को मिला है उसी में रहना चाहिए, ना कि और जगहों को हम लोग को हासिल करना चाहिए, ठीक है। एज लॉन्ग एज योर गोल इज़ टू कोएग्जिस्ट एंड थ्राइव टुगेदर विद द पोकेमॉन देन आई इमेजिन यू शुड ऑल्सो बी अलाउड टू यूज़ दिस लैंड, द ग्रेट वियरडियर हैज़ टेकन अ लाइकिंग टू बोल्ट एज वेल, दिस इज़ अ गुड साइन, ओके। तो गाइज हाँ, तो ग्रेट वियरडियर ने मेरे को अच्छी तरीके से देखा था तो एक गुड साइन, तो शायद से हम लोग अपने बेस कैंप्स को और फैला सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है, अपने रीजन को। यू हैव माय थैंक्स फॉर व्हाट यू डिड टुडे, आवर क्लैन लीडर विल हियर ऑफ हाउ यू एडेड अस, आई विल कम टू शो माय अप्रिसिएशन विद अ प्रॉपर रिवॉर्ड एज सून एज आई कैन, थैंक यू सो मच, आई रिक्वेस्ट फ्रॉम माय कंप्लीटेड, ओके गाइस माई का रिक्वेस्ट हमने कंप्लीट किया था। एंड गाइस ये जो माई का रिक्वेस्ट था ये मेरे को अकीरा ने ही दिया था क्योंकि अकीरा को मिला था वो रिक्वेस्ट, और फिर अकीरा अकीरा क्यों बोलता हूँ यार, फिर अकारी को लगा कि वो नहीं कर पाएगी तो ये दायित्व ये ड्यूटी मेरे को सौंप दिए, ठीक है अकारी ने। इफ़ वी वॉन्ट टू को एग्जिस्ट एंड थ्राइव विद पोकेमॉन वी विल नीड टू स्टॉप फियरिंग देम एंड स्टार्ट गेटिंग टू नो देम बेटर, दैट स्टार्ट्स विद कंप्लीटिंग द पोकी टैक्स, ओके। तो गाइस हम लोग आ गए अपने बेस कैंप के तरफ, ठीक है। हियर वी हैव इट आवर न्यू बेस कैंप अपॉन डियर ट्रैक हाइट, आई कॉल इट द हाइट कैंप। अच्छा तो बेस कैंप से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जैसे ये होता है GTA 5 में होता है ना गाइस सेव लोकेशन, तो ये सेव लोकेशन जैसा काम करेगा, मतलब अभी हम लोग डियर ट्रैक में डायरेक्ट टेलीपोर्ट होके आ सकते हैं, ओके। हियर वी हैव इट, ओके ये तो पढ़ लिया मैंने, ओके। From now on, when you set out from the village, you can ask to be escorted to this base camp to start your excursions directly from here. So guys, मैंने जैसे कि बोला था वही scene है, ठीक है? Teleport होके आ सकते हैं सीधा base deer camp पे. Okay, having another base camp to start from will be a great help on our service. Yes. कुछ नया Pokemon देखने को मिलेगा, guys. Nice work today, everyone. What say? We all head back to Wildflower. Okay, Wildflower हम लोग वापस से जाने वाले हैं. ओके गाइस हियर वी आर गाइस हम लोग वॉलफ्लावर पहुंच गए हैं, वापस से हम लोग रेमन नूडल्स खाने वाले हैं, नहीं पोटैटो मोकी था ना, यस पोटैटो मोकी खाने वाले हैं, यस ओके दीजिए, अरे पोटैटो मोकी को दे तो जाइए भाई, ओके गाइस आ गया है हमारा पोटैटो मोकी, आई थिंक ये पोटैटो मोकी है ना, ओके। हैव यू ऑल हर्ड द ग्रेव न्यूज़, ओके द दैट फ्रेंचाइज क्लीवर फ्रॉम द रूमर्स इट एंडेड अप मॉलिंग सम ऑफ आवर गैलेक्सी फॉक्स हु वेंट आउट टू इन्वेस्टिगेट इट दिस मॉर्निंग, तो कुछ गड़बड़ होने वाला है गाइज, द मेडिकल कॉर्प्स हैज हैड ए हार्ड टाइम गेटिंग ऑल द इंजर्ड बैक ऑन देयर फीट, कुछ तो हुआ है गाइज, बहुत कुछ हुआ है, ठीक है। आर दिस इज क्लीवर दैट वॉज रिपोर्टेडली स्ट्रक बाय पावरफुल लाइटनिंग, यस आई डिड हियर ही इज बिन behaving most erratically since then, ye cleaver kya cheez hai bhai, still if further investigation is in order the survey corps will of course set up to the task, okay a certain amount of danger is inevitable when researching unfamiliar pokemon but I'm sure bolt here can handle things just fine, to ha guys kuch pokemon ke sath mujhe panga lena padega research karna padega to wo pokemon kaun sa hone wala hai hum log dekhne wale hain aage ki story mein, theek hai। Are you certain? I have heard cleaver so mighty even alpha pokemon don't compare to him, ye bhai cleaver kya cheez kya hai bhai क्लीवर बोल रहे हैं, मतलब इवन अल्फा पोकेमॉन भी डरते हैं क्लीवर से, आई हैव नो आइडिया व्हाट इज क्लीवर्स, तो जानने को मिलेगा। नाउ यू फॉरगेट दैट द स्ट्रेंथ्स ऑफ पोकेमॉन्स आर की आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी ऑफ द सर्वे कॉर्प्स आर ड्यूटी बाउंड टू रिसर्च एंड सिंस दिस पेरिलियस वर्क ऑफ आवर्स कॉल फॉर ए क्लियर हेड एंड फाइटिंग फिट फिजिक आई डू बिलीव ए गुड नाइट स्लीप इज इन ऑर्डर आफ्टर दिस फाइनल मील, तो हम ओके गुड मॉर्निंग गाइज, ये है अगला दिन गाइज एंड अकारी आ चुकी है, शायद से मेरे घर के बाहर ही है, देख सकते हो गुड मॉर्निंग बोल करके उसने मेरे को ग्रीट किया, ओके अकारी फिर से कुछ जोर से बोल रही है यू शुड हर्री टू द कमांडर्स ऑफिस बिफोर ही डिसाइड्स टू यूज यू फॉर सुमो प्रैक्टिस, तो मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा अपने कमांडर के ऑफिस में, नहीं तो गाइज आप लोगों को शायद से याद होगा कि कैसे कमांडर ने मुझे धूल चटवाया था, वैसे गाइज मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेट भी कर सकता हूँ, व्हाट इज दिस है ये क्या, अच्छा ये मेरा गाइज आई थिंक ये ओके गाइज आई थिंक दिस इज लाइक अ स्टोरेज बॉक्स, तो ये स्टोरेज बॉक्स है, ओके आई एम गेटिंग इट बैक अभी मुझे कमांडर के पास जाना है, ठीक। हु इज दिस गाय गाइज हु इज दिस गाय एंड हु इज दिस गर्ल, ये ओके इरिदा
Irida, there you go again, insisting on your false image of Almighty Sino as a ruler of time. There you go again, insisting on your false image. I don't know, guys. ये शायद से कुछ Arceus को लेकर के ये दोनों अभी बहस कर रहे हैं, ठीक है? My people follow the true Almighty Sino, the font of all creation and ruler of space. तो ये शायद से ये लड़की Irida ये बोल रहे हैं कि हाँ Sino reason, Sino god है, Arceus है, तो वो बंदा शायद से ये बोल रहे हैं कि नहीं, नहीं है. तो देखते हैं अभी ये Adaman क्या बोल रहे हैं. Adaman, हाँ, you could have all the space diaries and still not know what to do with it. Okay, अब excuse me, are you really suggesting that you make better use of your time that we make of vast UC space? भाई इतना मत लड़ो यार. Okay, better than some. It's a miracle you showed up on time. Oh, mighty leader of the Pearl Clan. तो ये जो है guys, Adaman, I think guys, Diamond Clan का ये होगा हेड होगा, मुखिया होगा, एंड आई थिंक Irida होगा Pearl Clan का, होगा मतलब है ही. ओके, फिर से Adaman कुछ बोला, आई वरीड यू गेट लॉस्ट इन दिस पॉइंटलेस वास्ट स्पेस यू आर सो फॉन्ड ऑफ एंड नेवर शो अप. तो इन दोनों क्लैन के बीच हमेशा से ही मतलब ऐसा ही था, ठीक है? जैसे डियालगा पालकिया के बीच लड़ाई होता है, तो इन लोग के बीच भी लड़ाई हो रहा है. गेस मी गेट लॉस इन ऑल माइटी सिनो ग्रेट गिफ्ट टू द Pearl Clan इन आवर वर्ल्ड्स वेरी बेसिस यू विश. ओके ओके, फाइट मत करो यार, कितना फाइट करोगे यार. ओके, I wish that I hadn't let myself get dragged into arguing with you. Almighty Sino, forgive me. What a waste of time. नहीं नहीं guys, दोनों ही believe करते हैं Almighty Sino को, लेकिन ये लोग कुछ और बात को लेकर के ही बहस कर रहे थे. I am off to Commander's Kamado office. Okay, तो दोनों ही जाएंगे एक साथ. I believe it was you who started this. Okay, भाई अभी भी लड़ाई कर रहे हैं, देख सकते हो यार. You can feel the tension when those two show up, okay? You haven't met them, have you? The woman with the reverence for space is Irida. So space, space god hai guys, I think Palkia tha, space god. And time ka bhagwan tha guys, Dialga. Am I right guys? Main sahi bol raha hu na guys? Leader of Pearl Clan. To guys, haan, maine jaise ki bola tha, wo jo aurat thi, wo jo ladki thi, pink dress wali, wo Pearl Clan ki leader thi, theek hai? The man who was going on and on about time, Adaman leads the Diamond Clan. To haan, yehi guys, to Diamond Clan, Diamond, कौन डायमंड से हम लोग क्या बोल सकते हैं? डायमंड इक्वल टू Dialga, पर्ल इक्वल टू Pearl Clan इक्वल टू Palkia. तो देख सकते हो डी से Dialga, पी से Palkia. भाई क्या बोल रहा हूँ यार, लेकिन समझ रहे हो ना. द डायमंड क्लैन एंड द Pearl Clan ग्रीडिंगली को एग्जिस्ट एट द मोमेंट. अपेरेंटली थिंग्स यूज टू बी लेस पीसफुल. ओके गाइस, समझ में आया है. बट द बॉस, आई मीन द कमांडर इज वेटिंग. वी शुड सेव दिस कॉन्वर्सेशन फॉर आफ्टर यू टू रिपोर्ट हिम. ओके, गेटिंग इट, समझ में आ गया है. किधर जाना पड़ेगा भाई? ओके ओके ओके, बीच का स्टेयर पकड़ के मुझे ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा गाइस, लेट्स गो गाइस. वैसे आप सभी भाइयों को इधर तक कैसा लग रहा है गाइस? डेफिनेटली आप लोग कमेंट करिएगा, मजे आ रहे हैं कि नहीं गाइस. मैं हमेशा पूछता हूँ, अगर मजे आ रहे हैं तो कमेंट करो यार, बोल भाई अच्छा लग रहा है, ओपी लग रहा है. What would you intend to do about the cleaver commander Kamado? ये cleaver भाई, ये cleaver कौन है यार? He may be descended from a warrior of Almighty Sino, but look at the mess he's causing, guys. बहुत mess create कर रहा है ये cleaver. पता नहीं guys ये Pokemon है कि क्या चीज़ है. We can't sit back and let him rage on, okay? Kamado कुछ बोल रहा है. You do get right to the point, Adaman, okay? Time wasted is lost, okay? Well, tell me, what would you have us to do? What would you have us do? Cleaver is a precious lord of the Pearl Clan. Is he not? Okay, Pearl Clan ka kuch hai Cleaver. That's the point. My clan can't intervene directly where a lord of the Pearl Clan's concerned. Okay, if my people were to do something, our two clans might end up back at each other's throats just like we used to be. तो गाइस ये Pearl Clan से बिलोंग करता है शायद से Cleaver, तो Pearl Clan को ही ये चीज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डायमंड वाले लोग घुसेंगे Cleaver को डिफीट करने में या फिर उसको भगाने में, तो Pearl Clan के साथ फिर से लड़ाई होने वाला है, ठीक है? बट इवन फोक ऑफ द गैलेक्सी टीम हैव बीन वांडेड, हैवंट दे सीम समवन गॉट टू डू समथिंग हियर. तो मुझे कुछ करना पड़ेगा शायद से. ओके, हु देन would the diamond clan have the pearl clan bring down one of its own honored nobles? Okay, I don't believe I said that. Thought it maybe. Okay, you might as well have said it, you fool. Look, we don't even know what drove lord cleaver into such a violent frenzy. To lord cleaver karke bol rahe, Palkia wal kya nikalne wala hai shayad se. I would like to know that myself. This is a first as far as my clan knows to. Okay, हम आई सी यू हैव अराइव. तो गाइज ये डायमंड वाला बंदा तो करेगा नहीं लीडर, तो दिस इज बोल्ट द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ आवर सर्वे कॉर्प्स, एंड बोल्ट गेमिंग करेगा ये रिक्वेस्ट, ठीक है? तो मैं आ गया हूँ. आह, आई हियर फ्रॉम माय यू अर्न वर्डियर्स फेवर, यस, गुड टू फाइनली मीट यू स्ट्रेंजर फ्रॉम द रिफ्ट. ओके,
आई एम अडामान लीडर ऑफ द डायमंड क्लैन इफ यू वॉन्ट टू बी फॉर्मल बट दैट्स माउथफुल जस्ट कॉल मी अडामान ओके If you came from beyond the space-time rift, could you be from space where Almighty Sino is said to reside? इस लड़की को बस यही जानना है कि पाल क्या कहाँ है, क्या कर रहा है, ठीक है? Okay, I am Irada, leader of the Pearl Clan. Caution and foresight are my watch lord. Okay, which is why I have troubled believing such a tale. Could you really have passed through that rift? तो इनका यही सवाल है कि क्या तुम सच में उस ब्लैक होल, उस टेलीपोर्टेशन, उस वर्म होल से आए हो? आई हैव प्रपोजिशन, व्हाई नॉट सेंड दिस वन टू स्टडी क्लीवर बिफोर डिसाइडिंग व्हाट मस्ट बी डन। इरिडा ये बोल रही है कि यू सेंड अ स्ट्रेंजर, मतलब तुम इस बंदे को भेज रहे हो क्लीवर के बारे में जानने के लिए? ये तो एक न्यू कमर है, ये कैसे कुछ कर पाएगा? ये तो छोटा सा बच्चा है यार। अरे यार मैं छोटा हूँ लेकिन बड़ा कमाल का हूँ यार, सेज द लीडर विद ऑलमोस्ट नो एक्सपीरियंस। ओके, तो अडामान को बिलीव है कि मैं कर सकता हूँ, बट इरिडा हैव नो आइडिया व्हाट आई कैन डू। यू नो बीइंग ए गुड लीडर इज इन अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स अ मैटर ऑफ एम्बर्सिंग यूसीज वास्टनेस विदाउट फियर। ओके वेल देन डियर यू हैव इट, इफ हाउ न्यू यू आर डजंट मैटर देन लेट्स गिव द किड्स हिज चांस। तो अडामान अच्छा है गाइस, अडामान ये बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें मतलब न्यू यू से कुछ फर्क नहीं पड़ता, नया वया से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो चलो इस न्यू किड को एक मौका तो दे के देखो यार। इरिडा आई एम सोल कमांडर, लेट्स ट्राई दिस योर वे, नो अदर पोकेमॉन यू हैव एनकाउंटर कैन कंपेयर टू हिज स्ट्रेंथ बी वर्न्ड। ओके हाँ, तो गाइज ये खतरनाक चीज होने वाला है गाइज, मतलब इस पोकेमॉन को लॉर्ड ऑफ द सीनो ने खुद से बनाया था, तो लॉर्ड ऑफ द सीनो ने तो पूरे पोकेमॉन दुनिया को ही बनाया, एंड अभी पता नहीं गाइज ये पालकिया होने वाला है कि कोई और पोकेमॉन होने वाला है। द गैलेक्सी एक्सपेडिशन टीम हैज कम टू द हिस्वी रीजन एज अ ग्रुप ऑफ आउटसाइडर्स, सम माइट इवन कॉल अस इंटरलोपर्स। ओके, वी मजन डू एनीथिंग टू थ्रेटन आवर रिलेशन विद द डायमंड एंड पर्ल क्लैंस, अंडरस्टैंड? ओके ओके आई गॉट इट। तो सीलिन आई है, कैप्टन सीलिन जॉइन मी डाउनस्टेयर्स, बोल वी विल कवर द डिटेल्स ऑफ दिस न्यू मिशन। ओके, तो मुझे डाउनस्टेयर्स जाना है और इस मिशन के बारे में कुछ और जानना होगा। ओके कैप्टन सीलिन बोलिए। आह गुड, यू आर ऑलरेडी हियर, लेवेंथन, प्रोफेसर लेवेंथन भी इधर आ चुका है। प्रोफेसर लेवेंथन द ब्रीफिंग इफ यू प्लीज। तो प्रोफेसर लेवेंथन मुझे अच्छी तरीके से समझाने वाला है कि क्या चीज है ये क्लीवर, कैसे जाना होगा, क्या करना है, ठीक है? या लेट्स गेट राइट टू इट। सो बोल, आई अंडरस्टैंड यू हैव बीन रिक्वेस्टेड फाइंड आउट द कॉज ऑफ क्लीवर्स फ्रेंजीज स्टेट। ओके, बट एज यू आर अवेयर बाय नाउ क्लीवर इज अ माइटी थिंग, बहुत बड़ा चीज है और बहुत पावरफुल चीज होगा। नहीं, इनविंसिबल, मतलब इनविंसिबल बोल रहे हैं, मतलब डिफीट ही नहीं कर पाएंगे क्लीवर को, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे को क्यों भेज रहे हो यार, मैं मर जाऊंगा यार। ओके, द सिक्योरिटी कॉर्प्स ट्राइड थ्रोइंग पोकेबॉल्स एट क्लीवर व्हेन दे वर अटैक, बट आई एम अफ्रेड दैट डिडन इवन कम क्लोज टू कैचिंग हिम। इट सीम्स ही इज अ फेयर ट्रिकियर ओपोनेंट देन इवन दोज एग्रेसिव स्पीसीज ऑफ पोकेमॉन दैट कैनॉट बी कॉट आउटसाइड ऑफ बैटल्स वंस दे आर फाइट। तो पोकेबॉल्स नहीं, हम लोग ग्रेट बॉल्स फेंकेंगे यार, तो क्लीवर शायद से लेजेंडरी पोकेमॉन तो होगा नहीं क्योंकि पोकेबॉल्स फेंके थे, तो आई हैव नो आइडिया। ओके सिलिन कुछ बोल रहे, आई वुड लाइक टू बी परफेक्टली क्लियर ऑन दिस पॉइंट। ओके, द मिशन विल पुट यू इन एक्सट्रीम डेंजर, डू यू बिलीव यू कैन हैंडल इट? डेफिनेटली आई कैन हैंडल, ऑफ कोर्स। सो डायरेक्ट कैप्टन सिलिन ये बोल रहे हैं कि बहुत ही खतरनाक वाला मिशन होने वाला है, तो जान को हटेले में रेक करके तुम्हें यह मिशन करना पड़ेगा। सो डेफिनेटली आई डू दिस। ओके गाइस, हम लोग हियर हाइट्स में पहुंच गए हैं, अभी मुझे जाना पड़ेगा। गाइस यहाँ पे शो क्यों नहीं कर रहा है? मैप खोल के देखूँ क्या एक बार? तो मुझे किस तरफ जाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या? नहीं, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे ये व्हाट इज दिस नॉर्म सेक्शन? ओके गाइस, मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, बहुत दूर है भाई। तो यहाँ पे मुझे पहले तो पिन लगाना पड़ेगा, पिन लगा लेते हैं गाइस, स्टार, एक स्टार लगा लेते हैं। यस, अभी स्टार वाला दिशा कहाँ पे दिखेगा मेरे को, वेयर इज दिस? ओके, जियोडोट, एक जियोडोट को पकड़ लूँ क्या? एक काम करते हैं, बहुत देर फाइट नहीं कराया तो चलो। अरे अरे अरे, एक पोकेबॉल वेस्ट हो गया। रोलर, आई चूज यू, फाइट कर जियोडिट के साथ, और जियोडिट को दिखा दे कि तुम कितना स्ट्रांग हो रोलर। ओके, यूज लीफ एज, कम ऑन, खत्म। वन शॉट बोलते नहीं बोल पाया यार, बहुत दिनों से वन शॉट नहीं बोल पा रहा हूँ यार। ओह शिट, इट्स सुपर इफेक्टिव मोड, बट मेरे रोलर ने संभाल लिया। ओके कम ऑन, फिर से लीफ एज यूज करो। यस, खत्म गाइस, अब तो खत्म, अब देखते हैं किसको कितना एक्सपी पॉइंट्स मिलता है। ओके 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 ओके, इतना भी एक्सपी पॉइंट्स मिला नहीं मेरे को। यहाँ पे ब्लैक टम्बल स्टोन है, तो चलो ब्लैक टम्बल स्टोन तोड़ो। वहाँ पे एक जियोड्यूट भी है, चलो इस जियोड्यूट के साथ भी पंगा लेते हैं। कमान, यस 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 यस, फाइट करो, फाइट, यूज लीफेस। कर पाओगे क्या तू? कर पाएगा ना? वन शॉट बोल पाएगा? यस गाइस, वन शॉट बोलते गाइस, यस, मजा आ गया यार, वन शॉट बोल दिया। एक काम कर लेते हैं साथ ही साथ गाइस, पोशन पिला लेता हूँ अपने रोलेट के ऊपर, ठीक है?
यस गाइस, यस यस यस। और एक चीज़ मुझे बनाना था क्राफ्ट वाला, वो चीज़ खोल के, लेकिन अभी नहीं। पोकी बॉल्स, ग्रेट बॉल्स बनाना था गाइस। मैंने क्राफ्ट वाला सही से, वेयर इज़ द क्राफ्टिंग बॉक्स, ये है। चलो इसको यूज़ करते, क्राफ्ट करते हैं। हाँ, कितना बना पाएंगे? 10। ओके, 10 ग्रेट बॉल्स बना लेते हैं। हैवी बॉल्स, सॉरी सॉरी, ग्रेट बॉल्स बोल रहा हूँ, हैवी बॉल्स। चलो गाइस, मेरे पास अभी हैवी बॉल्स भी है। गाइस देख सकते हो नीचे की तरफ तो एक बहुत बड़ा पारा सेक्ट है, क्या मैं उसके साथ पंगा ले पाऊंगा? अभी मेरे पास क्रिकेट ट्यून भी था ना गाइस, मेरे को क्रिकेट ट्यून को लेके आना था, वो तो एक अल्फा पोकेमन था ना। अरे यार मैं भूल गया यार। रोलेट कमान। अरे भाई ओके, अरे दोनों पोकेमंस ने देख लिया गाइस, अब शायद से दोनों पोकेमंस मेरे साथ लड़ाई करने वाला है। यस गाइस, दोनों पोकेमंस से फाइट करने वाला है। तो चलो गाइस, लीफेज यूज करते, मुझे बिलीव है कि तुम कर पाओगे यूज लीफेज। अरे यार नॉट वेरी इफेक्टिव। अरे गाइस मैंने लीफ टाइप अटैक क्यों यूज करा गाइस? इश गाइस, मेरे को करना था फ्लाइंग टाइप मूव यार। गस यूज करेंगे, गस्ट, यस गस यूज करो, उड़ाओ इसको, उड़ाओ, खत्म। वन शॉट बोल्ट है गाइस, वन शॉट बोल्ट है। यू डिफीटेड पार्टनर, सब देखते हैं कितना एक्सपीरियंस मिलता है मुझे। पॉइजन पाउडर यूज करा मेरे ऊपर। ओ इट हैड नो इफेक्ट ऑन रोलेट। भाई रोलेट के ऊपर इफेक्ट नहीं होता है क्या? अरे बाप, वन शॉट। अरे भाई साहब, तो चलो इस वाले पारस को भी हराते हैं। ओके यूज गस, यस गस यूज करो, खत्म गाइस, वन शॉट बोलते। यस मजा आ गया गाइस। अब देखते हैं लेवल 15। ओके ओके, यहाँ पे और एक है, नहीं और फाइट नहीं करेंगे, मुझे अपने दिशा के तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, इधर उधर नहीं जाएंगे, सीधा दिशा के ऊपर जाएंगे। दिशा के ऊपर बोल रहा हूँ गैस, दिशा में जाएंगे। तो गैस यहाँ पे तो एक समुंदर है, एक झील है। इस झील को मैं अभी कैसे क्रॉस कर पाऊंगा हैव नो आइडिया, लेकिन मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एक स्टारेविया है? तो क्या मुझे एक डायरेक्टली स्टारेविया को ही पकड़ लेना चाहिए? क्या कहते हो गैस? चलो फाइट करते हैं, फाइट करते हैं गैस स्टारेविया के साथ, और स्टारेविया को पकड़ लेंगे। ठीक है ओके, लेवल 16 का है गैस, मजा आ जाएगा यार। एक काम करते हैं, लीफ वेज यूज करते हैं पहले। कमान लीफ वेज यूज करो। अरे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा गाइस। ओके ओके, ओ ओ ओ, ओ एरियलेस था गाइस, ये एरियलेस था, और इसी के साथ मैं तो खत्म हो गया गाइस। गाइस अभी फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन के ऊपर मुझे यूज करना पड़ेगा अपने जिंक्स को। ठीक है, इलेक्ट्रिक टाइप मूव यूज करने पड़ेगा, तभी इसको फटका पड़ेगा गाइस। जिंक्स तुम कर सकते हो, मुझे पता है, थंडर शॉक यूज करो इसके ऊपर। यस यूज 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 यूज, यस गाइस पकड़ लेते हैं। चलो पैरालाइज भी हो गया तो पकड़ पाएंगे अभी। ओके एयर स्लेस दोबारा से यूज करा मेरे ऊपर। यस जिंक्स को, लेकिन इतना कुछ हुआ नहीं। ओके लेट मी यूज पोकी बॉल, यस लेट मी यूज पोकी बॉल, यस पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। तो यस गाइस मेरे टीम में वापस से स्टेरेविया आ गया है। ठीक है, यस गाइस पकड़ लिया। चलो गाइस मिलके इस झील को क्रॉस करते हैं। आई थिंक गाइस दैट इज अ बिडूफ गाइस, नहीं बिडूफ का इवोल्यूशन फॉर्म का क्या था नाम, वो भी मैं भूल गया यार। कितना भुलक्कर हो गया हूँ गाइस, कितना भुलक्कर। अभी सुपर पोशन ही यूज करते हैं अपने जिंक। नहीं नहीं नहीं, पहले तो रिवाइव यूज करना पड़ेगा ना। यस रोलर के ऊपर पहले रिवाइव यूज किया, अब यूज करेंगे गाइस सुपर पोशन। नहीं सुपर पोशन चड्डो जी, सुपर पोशन नहीं, सीधा यूज करते हैं पोशन ही। यस यस यस, जिंक्स के ऊपर भी पोशन यूज करते हैं। एंड चलो अभी फाइट करने वाले हैं हम किसके साथ गाइस? इस वाले के साथ। ये बॉय जा फाइट कर, अब देखते हैं गाइस इसका लेवल कितना हो सकता है। ओ भाई ये बहुत बड़ा, ओ बीब्रेल, यस बीब्रेल था गाइस। तो चलो बीब्रेल को डिफीट करना पड़ेगा। ये आई से विन यूज किया, लेकिन रोलेट ने अवॉइड करा, तो गस यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टाइल गस। कमान यूज गस, कमान रोलेट तुम कर सकते हो, तुम भी लेवल 14 का हो। लगा गाइस इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आई सी विन वापस से यूज किया इसने, इस बार लगा, और मैं इसी के साथ गया गाइस। सुपर इफेक्टिव मूव था यार, सुपर इफेक्टिव मूव था। तो दिस टाइम आई हैव टू यूज यूज पोनीता। चलो गाइस पोनीता को यूज करते हैं। यस फायर टाइप पोकेमॉन है ना, जाओ पोनीता को यूज करते हैं। यस गाइस पोनीता आ गया है, एंड फाइट अभी एम्बर यूज करते हैं इसके ऊपर। कमॉन एम्बर यूज करो। अरे इसको तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा गाइस, वाटर पल्स यूज करा, और इसी के साथ। ओ भाई ये भाई साहब गाइस, दिस बीडूफ इज बीब्रेल इज वेरी स्ट्रॉन्ग गाइस, इसके पास तो वाटर मूव्स भी है। मुझे तो जिंक्स को भेजना ही पड़ेगा, जिंक्स को भेजना ही पड़ेगा गाइस। जाओ जिंक्स जाओ, एक ट्राई करके देखते हैं गाइस, हैवी बॉल फेंक के देखते हैं। ठीक है ओके, यूज हैवी बॉल, थ्रो थ्रो थ्रो, देखते हैं गाइस अगर बीब्रेल को पकड़ लेते हैं तो तब तो बहुत बढ़िया होगा यार। वन कमॉन, यस गाइस बीब्रेल हो गया है हमारा गाइस।
बीब्रेल हो गया हमारा। उफ गाइस एक्सपी पॉइंट्स बहुत मिला यार। ओके ओके गाइस लेवल 15 का हो चुका है यार। कैन इवॉल्व मतलब अपने स्टारली को और अपने जिंक्स को हम लोग इवॉल्व करा पाएंगे। वो हो गाइस दिस इज वेरी कूल यू नो। इट्स इवोल्यूशन टाइम। तो पहले इवॉल्व करते हैं अपने जिंक्स को और बनाते हैं उसको क्या गाइस लग्जरी। गाइस मेरे पास आ गया है लग्जरी गाइस। यस गाइस फाइनली गाइस लग्जरी इज हियर गाइस। फैंटास्टिक गाइस फैंटास्टिक मजा आने वाला है देख सकते हो गाइस। ये आ गया है। ओ नहीं यार मैं कितना भुलक्कर हूं। ये तो पहले लुक्सियो बनता है फिर जाकर के लग्जरे बनता है। यार गाइस कितना भुलक्कर हो गया हूं। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं स्टारली को भी इवॉल्व कर ही लेते हैं। मेरे पास वैसे गाइस टेरेविया तो है बट इट्स ओके गाइस स्टारली को भी इवॉल्व कर ही देते हैं। यस जल्दी से इवॉल्व हो जाए जल्दी से। एंड हियर वी आर गाइस Stereovia is on our team, guys. देख सकते हो अभी मेरे पास दो दो इवॉल्व पोकेमोन है। रोलेट भी इवॉल्व अभी हो ही जाता अगर वो बेहोश नहीं होता तो, बट अभी वो बेहोश है फेंटेड है तो यस ओके गाइज। और एक चीज़ मेरे को बनाना था वो बना लेते हैं गाइज फटाक से। एक चीज़ बनाते हैं गाइज रिवाइव बना लेते हैं ठीक है गाइज रिवाइव बना लेते हैं क्योंकि पोनीटा को भी रिवाइव करना पड़ेगा ना गाइज। यस रिवाइव यूज करते हैं पोनीटा के ऊपर। यस डन। अभी फटाक से पोशंस पिलाते हैं और क्लीवर कौन है वो जानने के लिए निकल पड़ते हैं। लेट्स गो। गाइस बस 200 मीटर दूरी में ही है गाइस बस 200 मीटर दूर ही जाना है मेरे को। और मैं यहाँ पे पोकेमॉन स्विच करके अरे यार क्या कर रहा हूँ यार पोकेमॉन स्विच करके अपने रोलेट को पहले नंबर पे ला देता हूँ। गाइस आई गॉट अ पोकेमॉन गाइस एंड ही इज गाइस साइडक। तो साइडक के अगेंस्ट मुझे भेजना पड़ेगा गाइस किसको अपने जिंक्स साहब को। यस जिंक्स ओके देख सकते हो ये साइडक मेरे को अच्छा लग रहा है लेवल 15 का भी है। पकड़ लूँ क्या थंडर फैंग आ गया है गाइस मेरे पास। थंडर फैंग यूज करो वन शॉट बोल देगा क्या। वन शॉट ही बोल दिया गाइस बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया लग्जियो वन शॉट बोल दिया फाइनली गाइस। लेवल 16 का हो गया भाई मेरा लग्जियो। तो यहाँ पे एक पेड़ है चलो पेड़ से हम लोग फल ले लेते हैं। थैंक यू नैना बेरी देने के लिए। ओ वहाँ पे मेरे को और एक पोकेमॉन दिखाई दे रहा है। पोकेमॉन है कि नहीं वो पोकेमॉन जैसे अच्छा ये तो है यही है। व्हाट इज दिस ब्रनेरी फाइट करेगा आ जाओ बनारी आ जाओ। अभी लग्जियो वर्सेस बुनेरी होने वाला। बुनेरी ने पहला हमला यूज करा अब मैं करने वाला हूँ खतरनाक हमला थंडर सॉन्ग और वो भी स्ट्रॉन्ग स्टाइल। यस कम ऑन खत्म शायद से बुनेरी ना। अरे बुनेरी खत्म नहीं हुआ यार। ओके मुझे पांच जाना पड़ेगा गाइस पांच जाना पड़ेगा। क्या हो गया क्या भाग गया क्या वो भाग गया शायद से। चलो भागने देते हैं साइडक के साथ ही लड़ लेते हैं यार। साइडक फिर से आ गया है मेरा लग्जियो तुमको धूल चटवाने के लिए। यूज थंडर फैंग लग्जियो और वन शॉट बोल्टे। यस गाइस अब देखते हैं एक्सपी पॉइंट्स किसको कितना मिलता है। स्टेरियोवा को भी गाइस थोड़ा बहुत लेवल मिला। गाइस वहां पे एक बटरफ्री है यार कितना खूबसूरत है यार ये बटरफ्री। फाइट करेंगे गाइस और पकड़ भी लेंगे शायद से। अरे तू क्या कर रहा है यार बटरफ्री के साथ लड़ना है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये बटरफ्री यार कितना सुंदर पोकेमॉन है ना। इसकी सुंदरता के लिए मैं इसको पकड़ने वाला हूँ। आयरन डिफेंस यूज कर। ओ भाई साहब इस आयरन डिफेंस का एनिमेशन यहाँ पे कितना ऑसम है गाइस। मैं एक चीज़ देखता हूँ पीछे की तरफ से अगर मैं इसको पोकेबॉल फेंक देता हूँ तो क्या होता है लेट मी फाइंड आउट। यस 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 पीछे की तरफ से फेंकेंगे ठीक है ब्यूटीफुल फ्लाई के ऊपर। यस कमान हो गया। ये नहीं हुआ यार नहीं हुआ गाइस मुझे थोड़ा बहुत इसको डैमेज देना ही पड़ेगा। ओके टैकल यूज करा गाइस लग्जियो के ऊपर लग्जरियो और नहीं लग्जियो तुम्हें फाइट करना पड़ेगा अभी। थंडर फैंग ही यूज करो इसके ऊपर। यस नहीं वन शॉट नहीं बोला गाइस वन शॉट नहीं बोला। पॉइजन स्टिंग यूज करा मेरे ऊपर और इसी के साथ गाइस लग्जियो हो गया है फेंड। लग्जियो को गाइस रिवाइव करना ही पड़ेगा। रोलेट को भेजते हैं गाइस जाओ रोलेट तुम जाओ खेलो जाओ। ओके आ गया है रोलेट। अब चलो गाइस अभी पोकेबॉल फेंकेंगे तो डेफिनेटली आई थिंक इसको पकड़ पाएंगे। यस यस क्योंकि देख सकते हो बार भी रेड में है तो हाँ आ जाएगा शायद से देखते हैं गाइस। वन आ गया गाइस आ गया ब्यूटी फ्लाई भी मेरे टीम में आ गया। यस थैंक यू सो मच यार थैंक यू सो मच। एंड गाइस देख सकते हो अंधेरा हो गया यार अभी तो भूत वाले पोकेमॉन निकलने वाला है। एंड गाइस मैं तो अपने मंजिल के तरफ ही हूँ
पहुंचने ही वाला हूँ. एंड व्हाट इज दिस, आई थिंक दिस इज आबरा. नहीं ये तो साइडा कहवे, मेरे को लगा वो आबरा है गाइस. मंजिल के बहुत करीब है, हम बहुत करीब है मंजिल के, देख सकते हो गाइस ऑलमोस्ट पहुंच ही गए. ये रहा गाइस. नहीं गाइस नहीं नहीं, फ्लैग तो बहुत दूर है. ये 60 मीटर ये क्या चीज दिखा रहा है पता नहीं गाइस. यहाँ पे तो डोडो टाइप के रास्ते हैं, यहाँ पे क्या लगे हुए हैं यार. ये सब फ्लैग्स किसके, ये कौन है भाई, अब ये कौन है, ये छोटू सा बच्चा कौन है, ये शायद से मेरे साथ पोकी बैटल करने वाला है. देखने से तो ऐसा ही लग रहा है. आई एम लियान ऑफ द पर्ल क्लैन, द वार्डन टू क्लीवर लॉर्ड ऑफ द वुड्स. अच्छा गाइस ये लियान है, ओके तो यही मेरे को बताने वाला है कि क्लीवर कौन है. एंड यू हैव ऑलरेडी डिड्यूस दैट यू हैव कम हियर टू मीट क्लीवर, एम आई राइट? आई एम राइट अरंत, यस ऑफकोर्स आई एम. आई कैन सी इट सो क्लियरली, आफ्टर ऑल द पावरफुली ऑसम क्लीवर हैज बिकम इवन मोर ऑसमली पावरफुल. परहैप्स दैट स्ट्रेंज लाइटनिंग द अदर डे वॉज ऑलमाइटी सीनोस डिवाइन पावर, बट वट एवर इट वॉज, इट स्ट्रक माई लॉर्ड एंड लेफ हिम इम्ब्यूट विद ऑसम माइट, सो आई मस्ट टर्न यू अवे इवन इफ इट पेन्स मी. इट्स टू डेंजरस फॉर यू टू मीट क्लीवर राइट नाउ. तो ये बच्चा बोल रहा है कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा लौट के, क्योंकि वो क्लीवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. एंड आई डोंट वॉन्ट सी यू क्राइंग, तुम्हें कुछ हो जाएगा बोल्ट तो मेरे को दुख लगेगा. हालांकि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ बट फिर दुख तो लगेगा ना. चलो मैं अभी बोलता हूँ कि आई विल डू एनी थिंग, आई विल डू एनी थिंग, आई विल डू एनी थिंग. तो इसका मुंह तो खुला का खुला रह गया. अब ये क्या बोल रहे हैं, चलो पढ़ते हैं. ओ सच एयरनेस डिजायर टू मीट माइटी क्लीवर, आई हैव टू एडमिट आई एम स्ट्रक बाय योर पैशन, ओके. So, but well, I'm afraid your passion is not the real issue here. I have been told in no uncertain terms by Irida that I am to let no one near Cleaver. तो इसको इरिडा मतलब क्लैन के लीडर से, पर्ल क्लैन के लीडर इरिडा से ये ऑर्डर मिला है कि तुम्हें किसी को इधर से जाने नहीं देना है. तो डेफिनेटली आई हैव टू फाइट हिम, यस फाइट करते हैं. आई विल टेक ऑन यू, आई विल टेक यू ऑन. चलो देखते हैं अभी ये कौन कौन सा पोकेमॉन्स यूज करने वाला है. ओके गाइस ये तो ग्लूम है, ग्लूम गाइस ये तो एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है गाइस. ये ग्लूम नहीं गाइस, क्या था, गुमी गुमी है, मैं गुम बोल रहा हूँ. तो थंडर फैंग यूज करो लक्सियो, यस खत्म तो नहीं हुआ गाइस. अब देखते हैं गुमी क्या यूज करे, बबल यूज करे गाइस. ओके बबल तो यार वाटर टाइप पोकेमॉन है, आई हैव नो इफेक्ट. तो क्विक अटैक यूज करते हैं गाइस, क्विक अटैक यूज करो, मुझे स्ट्रॉन्ग स्टाइल यूज करना था. यस गाइस गुमी को थोड़ा सा रह गया था यार, और यार यूज किया ना गाइस इसने कुछ पॉइजन वाला मूव. चलो इसको दिखा देते हैं स्ट्रॉन्ग स्टाइल, यूज स्ट्रॉन्ग स्टाइल, यस लक्सियो बीट हिम थंडर शॉक एंड ही इज डाउन गाइस. इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव बट ही इज डाउन गाइस. गुमी को मैंने हरा दिया गाइस, बैटल डिसाइडेड. ओके इसके पास एक ही पोकेमॉन था क्या, एक्सपी इतना नहीं मिला क्या. अब देखते हैं ये क्या बोलता है. हाउ कैन दिस बी, ओके I may have been defeated, but my point still stands. It's too dangerous to meet Cleaver now. The only welcome you'll get if you approach him is a flurry of devastating blows. Okay, what is this? Normally, I would simply try making him an offering. I nice heaped a helping of his two favorite foods served up with respect by his loyal warden. That's me, of course, is usually enough to please him and suit the prickliest of moods. But even Cleaver's loyal warden can't get close enough to give him any offerings now. Not with the way Cleaver is rampaging and running off. तो ये भी मतलब कुछ देने के लिए जा नहीं पा रहा है क्लीवर के पास. मतलब क्लीवर इतना गुस्सा है, गुस्सेले मूड में है शायद से. He is very angry. Irida, what are you doing here? Leon पूछ रहे हैं, ठीक है. As you say, Cleaver's grown even stronger, but I'm afraid that strength poses a problem for us. If he was indeed struck by that lightning, could the bolts have been sent by the false sinos that the Diamond Clan boasts to? Cleaver means so much to our clan. I would hope we could bring this situation under control ourselves, not throw our hands up and ask some outsider for help. तो इरिदा ये बोल रहे कि नहीं यार, ये हमारे क्लैन का मसला है, पर्ल क्लैन का मसला है क्लीवर, तो हमें खुद से करना चाहिए ना कि आउटसाइडर का हेल्प लेना चाहिए. बट वी मस्ट सेव क्लीवर फ्रॉम दिस फ्रेंजी, एवरी मोमेंट इट कंटिन्यूज द डेंजर ग्रोस. तो मुझे जाने दो यार, इट मोर पीपल एंड पोकेमॉन आर अटैक इट विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट विद बोथ द डायमंड क्लैन एंड गैलेक्सी टीम. यस तो मुझे जाने दो, मैं सॉल्व कर लूंगा ना जितना हो सके. आई विल ट्राई टू फिक्स इट यू नो. You, stranger from beyond the sky, tell me, could you galaxy people fix all this? Could an outsider actually find a way to quell our lord's frenzy? I will figure something out. Ye bolte hain guys. Very well.
Liam and I will get our foods that please Cleaver in hopes that we might be able to get close enough to make him a proper offering. As for you, find a way to quell his frenzy even if you must search every corner of Vas Hisui. So, मुझे कुछ quell well क्या करना पड़ेगा? I have no worry. तो देखते हैं guys आगे की कहानी में क्या होता है. And guys, एक मिनट, मुझे कौन फोन कर रहा है अभी?